मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरी हर। चलिए तो व्हाट्सएप मैसेज पे जो हमारे पास डॉक्टर पद्मनाहर जी ने जो शेयरिंग करी है उसको पढ़ते हैं और उसी के साथ फिर हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कह रहे हैं, संपूर्ण संबंधों में दया का प्रवाह होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे पूछूंगी, एक एक शब्दों के मतलब है ना। तो संपूर्ण संबंधों में दया का प्रवाह होता है। मनुष्य मनुष्य के साथ संबंधों को जब पहचानता है, तब सेवा, अर्पण, समर्पण करने की उमंग अपने आप उमड़ती है। शांतिपूर्ण मानसिकता के धरातल पर ही ऐसा उद्गम होना पाया जाता है। यह केवल व्यक्ति में ही नहीं, परिवार समुदाय तक भी ऐसे कार्यकलापों को देखा गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य शांति कामी और गामी है। गामी होने के लिए किसी परिवार, शिक्षा, राज्य व धर्म संस्थाओं में अपने को अर्पित करता है। ठीक है, ये संदर्भ लिया गया है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान से, 5वें अध्याय से। प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, जनवाद ग्रुप के, जन संवाद ग्रुप के सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। पहला आपके लिए ध्यान दिला रही हूँ प्रश्न है, ये प्रश्न आपका मूल्यांकन करने के लिए नहीं, ध्यानाकर्षण के लिए है ना। संपूर्ण संबंधों में दया का प्रवाह होता है, बताइए दया का अर्थ क्या है? अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए, दया का अर्थ क्या है? बताइए बताइए। निमिषा दीदी, कृष्ण भैया, जनक, समझदारी को, मतलब दया, मतलब जो वस्तु अपने जिसके पास नहीं है उसको, उसका उससे उपलब्ध उपलब्ध करा देना, कराना। यस, हाँ, पात्रता के अनुसार वस्तु उपलब्ध करा देना, उपलब्ध बहुत कराना। बढ़िया। मतलब संबंधों में तो हम हमारे एकदम रोज के संबंधों में देखे, पहले तो हम हमारे बच्चों में देखे, परिवार में देखे, तो ये चीज हम करते ही है बास आबास के लेवल पे कि हमारे बच्चे समझदार हो जाए, हमारे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं समझदार हो जाए। हमारे में भी जितना भी समझदारी होता है उतना तो हम लोग अर्पण समर्पण करते हैं, एक चीज ये है। दूसरा, सेवा का बात किया है तो सेवनीय वस्तु मूल्य है, तो जो नौ मूल्य है, स्थापित मूल्य है, उसका प्रवाह डेली हम लोग कुछ ना कुछ तरीके से करते ही है, भले ही वातावरण नहीं है, जो भी चीजें हैं। हम लोग जब तक सूचना नहीं थी तब तक भी ये सब चीजें करते हैं, पहला ही संबंध है, जैसे ममता मूल्य का निर्वाह माँ और पिता करते ही है। तो जैसे शांति गामी, जैसा शांति का बात बताया कि जब तक शांति नहीं है तब तक नहीं करते हैं, मन में जब शांति होती है तो ये सब चीजें हम लोग करते ही है भास आभास के लेवल पे, इतना मैं इसमें समझी हूँ। जागृति की बात करें, जागृति पूर्ण मनुष्य या जागृत पुरुष या जागृत व्यक्ति, तो इसमें मतलब बाबा जी को ही देखे तो उन्होंने ऐसा ही किया है सबसे, सबके साथ ऐसा सभी प्रबोधकों की बातों से हमें लगता है, इतना मैं समझे इसमें। और आप समझाइए जो भी आपको पसंद। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया। तो मैं थोड़ा और डिसाइफर करती हूँ। संपूर्ण संबंधों में दया का प्रवाह होता है। संबंध मतलब सम्यक, अनुबंध मतलब पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है ना। तो इन पूर्णताओं के लिए जो हमने संबंध, जो उपयोगिता पूरकता को पहचानते हैं, उसमें दया का प्रवाह होता ही है ना। मनुष्य मनुष्य के साथ संबंधों को जब पहचानता है, अभी ध्यान से देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य के साथ संबंधों को जब पहचानता है, तब सेवा, अर्पण, समर्पण करने की उमंग अपने आप उमड़ती है ना। तो बाध्यतापूर्ण तरीके से नहीं होता है कि आपको करनी पड़ेगी सेवा, है ना, ये विधि नहीं है, अपने आप ऐसा होता है ना। सेवनीय वस्तु मूल्य ही है ना, सेवा के रूप में। तो
तो मूल्यों का ही सेवन होता है। अर्पण समर्पण मैंने समझाया है, अर्पण मतलब जहां पर देने के बाद लेने की थोड़ी उम्मीद रहती है ना, या उपयोगिता पूरकता के रूप में ही सही, लेकिन वो रहता है कि वापस भी मिले। समर्पण में देने के बाद लेने की कोई आशा नहीं रहती है, कोई ये नहीं होती है ना। शांतिपूर्ण मानसिकता के धरातल पर ही ऐसा उद्गम होना पाया जाता है। तो शांति किस स्तर पर होती है? वृत्ति के स्तर पर, है ना। मन के स्तर पर सुख भासता है, वृत्ति के स्तर पर शांति भासती है। तो वृत्ति के स्तर पर क्या होना है? तो हमारे पास वृत्ति के रूप में तुलन विश्लेषण है। तुलन में हमारे पास 6 दृष्टियां रहती हैं ना, प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। प्रिय हित लाभ वाला तो हम काफी फुर्तीले हैं वहां पर, जहां फुर्ती नहीं है वो है न्याय धर्म सत्य का पलड़ा। तो न्याय धर्म सत्य ये समझ में आने के आधार पर अपने आप क्या होता है, वृत्ति के स्तर पर, वृत्ति के धरातल पर हम शांत हो जाते हैं। इसको कह रहे हैं शांतिपूर्ण मानसिकता के धरातल पर ही ऐसा उद्गम होना पाया जाता है। यह केवल व्यक्ति में ही नहीं, परिवार समुदाय तक भी ऐसे कार्यकलापों को देखा गया है ना। केवल व्यक्ति में नहीं होगा कि सेवा अर्पण समर्पण, ये आगे भी बढ़ता है इसी विधि से। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य शांति कामी, कामी मतलब इच्छा रखने वाला, कामना रखने वाला, गामी है ना, और उस तरफ चलने वाला, उस तरफ जाने वाला, शांति कामी और गामी है। शांति क्या है? विचारों में जो विचार का जो श्रम है ना, वो विश्राम की स्थिति में आ जाए, है ना। विचार के रूप में जो श्रम है मनुष्य जाति में, वो सर्वतोमुखी समाधान लक्ष्य पर पहुंचने पर ही वो क्या होता है, शांत होता है, वहां विश्राम की स्थिति है। ठीक है, तो गामी है तो उसका गंतव्य है। क्या है गंतव्य? सर्वतोमुखी समाधान उसका गंतव्य है। गामी होने के लिए कैसे पता चला कि ये इस तरफ गामी है, किसी गंतव्य की तरफ जा रहा है? ऐसे पता चला कि किसी परिवार, शिक्षा, राज्य व धर्म संस्थाओं में अपने को अर्पित करता है। कहीं ना कहीं वो मान लेता है, अपनी आइडेंटिटी को उस रूप में स्वीकार कर लेता है। ठीक, आपकी तरफ से भी कोई इनपुट हो तो रखिए इस बात में। हरिहर, हरिहर, सभी का स्वागत है ना। पापा कुछ प्रश्न हैं हम सभी के जो आज थोड़ा सा ले सकते हैं। अभी तो हाँ मुझे किसी ने अपना कोई प्रश्न नहीं बोला है, बीच में मुझे लगता है उम्मीद करते हैं कोई प्रश्न बोलेंगे। तो चार्ट तो हमने समझ लिए हैं, पर एक प्रश्न मेरे मन में है जो अभी मुझे उतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं है। वो ये है कि जो 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था जैसा बाबा जी ने बताया है ना, उसमें कैसे क्रमिक कैसे हम लोग शिफ्ट करेंगे? अभी जहां पर हम खड़े हैं, अभी लोकतंत्र की जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं, वहां से शिफ्ट कैसे होगा, उसकी कल्पना नहीं बना पाते हैं कि ये शिफ्ट कैसे होंगे। तो अगर हो सके तो उसको थोड़ा सा बताइए, और अभी की जो स्थिति है वो भी थोड़ा सा लेते हुए वर्णन करिए कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब उस एरिया में मुझे बहुत समझ में नहीं आती कुछ भी। सिविक्स मुझे कभी समझ में नहीं आई, तो मुझे पढ़ने नहीं पड़ती है ये चीज। एक तो ये है कि जो अभी वर्तमान प्रणाली है उससे जी कोई अलग प्रणाली नहीं है ये, हाँ। अच्छा तो ये भी जन प्रतिनिधित्व प्रणाली है, और जो बाबा जी ने प्रस्तावित की है वो भी जन प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना। इसमें वोटिंग राइट को बाबा जी ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ना, वहां पे इंडिविजुअल वोटिंग राइट है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो सभा है वो परिवार सभा है। तो परिवार सभा का प्रतिनिधि जो है वो परिवार समूह सभा का प्रतिनिधि बनता है ना। जी तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ये, जिसको हाँ जनवादी सिस्टम भी कहते हैं, जनवादी और प्रतिनिधित्ववादी है ना। जी तो प्रजातंत्र भी जनवादी सिस्टम है, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कह रहे हैं ना। तो डेमोक्रेसी में जो सबसे बुनियादी जो संस्था है, जिसको हम लोग पंचायत कह रहे हैं,
ये ग्राम पंचायत कह रहे हैं। जी तो ग्राम पंचायत में जो लोग 18 साल से बड़े हैं उनको वोटिंग राइट होता है, 18 से जो छोटे हैं उनको वोटिंग राइट नहीं रहता है। नहीं रहता। हाँ तो एक प्रकार से उनकी भागीदारी नहीं होती है जो 18 से कम के जो होते हैं। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में हर परिवार में सभी की भागीदारी होती है परिवार सभा में, है ना। अच्छा छोटे बड़े बच्चे सभी बैठते हैं और सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के निर्णय होते हैं ना, और वो निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। परिवार में क्योंकि कर्तव्य दायित्व बोध जो है वो सहज होता है ना, माता पिता कर्तव्य दायित्व को स्वीकारे रहते हैं, और छोटे बच्चों में आज्ञा पालन और अनुशासन का संस्कार रहता है जन्म से, है ना। एनवायरमेंट नहीं मिलने के कारण से वो आज्ञा पालन और अनुकरण अनुसरण जो है वो प्रभावित हो जाता है। खासकर औपचारिक शिक्षा इसको ज्यादा डैमेज करती है, जो अभी औपचारिक शिक्षा है। जिन परिवारों में औपचारिक शिक्षा नहीं रहती है उनमें बच्चे माता पिता के साथ जुड़े रहते हैं आज्ञा पालन विधि से, है ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो परिवार है जिसमें कम से कम 3 पीढ़ी होना चाहिए, है ना, कम से कम 3 पीढ़ी का मतलब है कि माता पिता पति पत्नी और उनके संतान, है ना। तो जैसे माता पिता के संतान भी हो सकते हैं, 2 बच्चे हैं मान लीजिए और 2 पति पत्नी हो गए तो 4, 4 और 2 6 हो गए, है ना, जी और इन 4 के 2 2 बच्चे हो गए तो 6 और 4 10। यदि 2 2 बच्चों के हिसाब से यदि सोचते हैं तो 10 लोगों का परिवार हो सकता है। ये कोई संख्यात्मक रूप से 10 ही नहीं है ना, ये 11 12 भी हो सकते हैं और 8 9 भी हो सकते हैं। लेकिन सभी संबंधों में, परिवार के सभी संबंधों के लिए अनिवार्य है ये इतना होना, माता पिता भी हो, पति पत्नी संबंध भी हो, भाई बहन संबंध, ये 3 ही संबंध ना परिवार में रहते हैं। तो इसमें अधिकांश मूल्यों का निर्वाह जो है वो हो जाता है। दूसरी बात है कि परिवार ही संस्कार स्थली है। जैसे हमको सामूहिक जीना, सामूहिक निर्णय लेना, है ना, सामूहिक रूप से कार्य में भागीदारी करना, इसका कोई जी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है अभी तक, औपचारिक शिक्षा में भी नहीं है। प्रजातांत्रिक जो प्रणाली है वो एक संकल्पना है, लेकिन उसका आचरण जो है, उसके आचरण का अभ्यास शिक्षा संस्थाओं से होना चाहिए था, वो नहीं है, है ना। क्योंकि शिक्षा संस्थाएं प्रजातांत्रिक तरीके से डिजाइन नहीं है ना। शिक्षा संस्थाएं अथॉरिटेरियन सिस्टम से हैं, मेजोरिटी विधि से हैं। जैसे उसमें जो प्रिंसिपल होता है उसको सरकार नियुक्त करती है ना, जो वहां के शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं उनकी कोई भूमिका नहीं रहती है ना। इसीलिए जो सिस्टम है वो प्रजातंत्रात्मक नहीं है, वो राजतंत्रात्मक है, और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मतलब हम जो जिस स्टेट की बात करते हैं कि हमारा स्टेट जो है सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है या जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें हायरार्की है, और वो हायरार्की जो है राजतंत्रात्मक है, जिसमें सारे डिसीजन जो है सर्वोच्च व्यक्ति के पास रहते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के पास, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के पास, है ना, स्टेट में चीफ सेक्रेटरी के पास, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास केंद्रित रहते हैं। जबकि सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव है, प्रजातांत्रिक है, सभावादी है। तो सभा में निर्णय लेने के संस्कार स्थली यदि कहीं हो सकती है जहां से संस्कार बनता है, वो परिवार हो सकता है। तो अभी जो परिवार है वो व्यक्तिवादी परिवार है, अभी जो परिवार है उनमें
पैट्रियार्चिक संस्कार है ना, पितृसत्तात्मक है, या जिसको हम लोग कह रहे हैं कि शासनात्मक है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं परिवार में, जैसे संपत्ति का अधिकार होता है, निर्णय लेने का अधिकार होता है, कार्यों के विभाजन का अधिकार होता है, कार्यों में भागीदारी का अधिकार होता है। तो ये सब अधिकार जो है वो डिफाइन नहीं है परिवार में, क्योंकि सारे परिवार ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं। ट्रेडिशनल फैमिली मतलब किसी एक आचार संहिता से चले थे, जैसे हिंदू परिवार जो है वो मनु की आचार संहिता से चले थे ना, लेकिन मनु की आचार संहिता भी डाइल्यूट हो गई और धीरे धीरे लोग मनमानी करने लगे। मतलब एक होता था शास्त्र से चलते थे, है ना, लेकिन अभी जी शास्त्र से भी नहीं चलते हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ठीक बात है। परिवार मनमानी हो गए। थोड़े बहुत कुछ परिवारगत जो संस्कार होते हैं वो चले आ रहे हैं परंपरा से, है ना, जैसे पति जी पत्नी संबंध को लेकर था, और माता पिता का जो कर्तव्य दायित्व तो निर्वाह का जो बात थी वो संस्कार रूप में तो है ही, लेकिन उस संस्कार में मनमानी आ गई है ना, क्योंकि अब शास्त्रीयता नहीं बची है ना। जी और धीरे धीरे जब भौतिकवादी शिक्षा आ गई और मटेरियलिज्म आ गया है ना, और मटेरियलिज्म में ही व्यक्तिवादी मटेरियलिज्म आ गया, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल आ गई है ना, जो पारिवारिक जीवन के विरोध में थी, है ना। तो ये तीनों रिलेशनशिप जो है ना वो कमजोर हो गए। पति पत्नी संबंध कमजोर हो गया, माता पिता संबंध कमजोर हो गया, और भाई बहन संबंध कमजोर हो गया। कमजोर भी हो गए और डिस्प्यूट में चले गए, है ना। डिस्प्यूट में जाने का प्रमाण क्या है? तो अभी हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें 3 करोड़ से आसपास मुकदमे हैं, और 2 करोड़ जो है क्रिमिनल केसेस हैं ना, 5 करोड़ मुकदमे हैं। और सिविल केसेस परिवार के डिस्प्यूट ही होते हैं, परिवार और परिवारों की परस्परता में जो डिस्प्यूट होते हैं, ऐसे करके स्थिति बहुत गंभीर हो गई। बाकी कई लोग लिटिगेशन में जाते नहीं है, है ना। सही बात है। तो मान लीजिए, तो देखें तो 50 करोड़ में यदि हम लोग एक परिवार में 10 फैमिली मेंबर जोड़े तो 50 करोड़ हो गए, 5 करोड़ से 50 करोड़ लोग जो हैं वो लिटिगेशन में कोर्ट में है। और जो लोग लिटिगेशन में जाते नहीं है ना, ऐसे भी लगभग इतने ही लोग होंगे, तो 100 करोड़ के आसपास लोग जो हैं पारिवारिक कलह लड़ाई झगड़े में उलझे हुए हैं। ये स्थिति है, जो परिवारों का जो स्टेटस है वो इतना भयानक है ना। जी शायद ही कोई पीसफुल फैमिली मिलती है ना। हम लोग सही बात है। ये कह सकते हैं कि हमको लगता है कि आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ होते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, वो पीसफुल हैं, लेकिन हमने ऐसा देखा है पिछले शिविर करते करते कि जो आर्थिक रूप से जो लोग ज्यादा सुदृढ़ होते हैं उनके परिवार तो पहले टूटे हुए रहते हैं। हाँ उनमें उनमें क्या है, क्योंकि पैसे के कारण व्यक्तिवादी अहमताएं उनमें चरम पे रहती है। जो कमाता है तो वो निर्णय लेता है, और फिर क्या होता है, जब निर्णय लेता है तो बच्चे दबाव बनाते हैं कि साहब आप हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए। तो जब सही उनको बात पैसा मिल जाता है तो फिर वो अपना निर्णय लेने लगते हैं, तो वहां से वो टूट जाता है। बेसिकली बुनियादी रूप में निर्णय का परिवर्तन ही है, निर्णय लेने का परिवर्तन है ना, किसी भी सिस्टम में। जैसे जो राजतंत्रात्मक सिस्टम है, जिसको हम लोग फ्यूडल सिस्टम कहते थे, है ना, सामंतवादी जी राजतंत्रवादी ऐसा बोलते थे, उसमें निर्णय राजा के पास था। इसके बाद जब प्रजातंत्र आया तो उसमें निर्णय जो है वो सभा के पास आ गया है ना, और सभा रिप्रेजेंटेटिव है ना,
हम अपना एमएलए या अपना सांसद चुनते हैं और चुनने के बाद सभा जो है निर्णय लेती, ऐसा होना चाहिए था, है ना, जी यही थी सिस्टम की। लेकिन पिछले 70 साल की डेमोक्रेसी यदि भारत में देखते हैं, 70-75 साल का जो डेमोक्रेसी है उसमें देखते हैं कि निर्णय पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हाथ में चला जाता है ना। यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी राजनीतिक दल के मुखिया के हाथ में ही रहता है। जैसे मनमोहन सिंह का हम लोगों ने उदाहरण देखा, सोनिया गांधी निर्णय लेती थी, मनमोहन सिंह इम्प्लीमेंट करते थे। इससे इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती किसी भी मतलब प्रजातांत्रिक सिस्टम की। और ये पहले भी होता रहा है, या फिर पार्टी का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री हो जाता है, जैसे इंदिरा गांधी हो गई थी, या मुलायम सिंह, लालू यादव, है ना, ये सब अपने अपने पार्टी के मुखिया थे। तो जी सारा निर्णय जो है मुखिया के हाथ में, और वो मुखिया एक ही परिवार के होते थे, है ना। जैसे ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्तिवादी या परिवारवादी पार्टियां हैं हिंदुस्तान बिल्कुल में, अभी बिल्कुल तो सब परिवारवादी हो गई, हर राज्य में एक एक परिवारवादी पार्टी तो है ही कम से कम, है ना। सही बात है, हाँ, कम से कम एक तमिलनाडु में, आंध्रा एक। आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, आपका यूपी में भी, ठीक यूपी है, सही है। और जैसे दिल्ली में केजरीवाल एक ही परिवार है। ये सब हो गया, मतलब जो कांग्रेस तो है ही पहले से ही परिवारवादी पार्टी है। तो उसका मूल कारण ये है कि बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानसिकता परिवार में नहीं आएगी, है ना, तब तक परिवार जो है वो परिवारवादी रहेंगे, है ना, और परिवार में व्यक्तिवादी निर्णय होंगे, जी व्यक्तिवादी कार्यशैली होगी, व्यक्तिवादी भागीदारी होगी। व्यक्तिवादी भागीदारी च्वाइस होती है, मेरी होगी तो करूंगा, मेरा मन होगा तो करूंगा, मन नहीं होगा तो नहीं करूंगा, है ना। सही बात है। जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो अनिवार्यता होती है, उसमें च्वाइस नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि सिविक प्रणालियां हैं, है ना, जी सिविक प्रणाली में जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं उनकी मनमानी नहीं हो सकती। यदि वो मनमानी करेंगे तो पूरा शहर गंदा हो जाएगा। सही बात। तो वहां पे अनिवार्यता है, लेकिन अनिवार्यता को सुनिश्चित किया है दंड विधि से और वेतन विधि से, है ना, पैसा कट जाएगा नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, है ना, नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा स्वेच्छा से नहीं है। मतलब जिसको अपन संस्कार कहते हैं ना, संस्कार जो है स्वेच्छा से या स्वेच्छा समझ से संचालित होना, वो संस्कार है ना। तो संस्कार को बनाने वाला कोई विद्यालय नहीं है, जी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन संस्कार नहीं बना रहे, वो तो एक आस्था आस्था के आधार पे पैसा इकट्ठा करते हैं ना। उस आस्था को बनाए रखने के लिए मंदिरों को सजाते हैं ताकि प्रलोभन बने, आकर्षण बने मंदिरों का, लोग उसको जाए, वहां जाते रहे तो दान देते रहे, दान देते रहे तो पैसा आता रहे, पैसा आता रहे तो हम भोग कर सकें और साथ में भगवान को कर सकें। अब आप सोचिए कि कल्पना करिए कि लोग पुस्तक को एयर कंडीशन में रखते हैं क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है ना पुस्तक, सही और बात। मूर्ति को एसी में रखते हैं। एक मार्बल का मूर्ति है, उसके लिए एसी लगा, तो सही अब आप बात देखिए एसी चाहिए किसको, जीवित व्यक्ति को चाहिए कि पत्थर की मूर्ति को चाहिए। मूर्ति में सबको चढ़ाते हैं, भूखे आदमी को देते नहीं। जो
हम भगवान को सही। सुना रहे हैं, भगवान तो लेता नहीं, वो सब नाली में बह जाता है, दूध घी आदि सब। और जो भूखा आदमी है जिसको दूध घी की जरूरत है वो हम दे नहीं रहे सही बात है। ना, तो ना समझी की पराकाष्ठा समझ में आती। जैसे मान लो हम पेड़ों का खाद लेके आए और उसको कोई लोहे के पेड़ के ऊपर डालें, आर्टिफिशियल या प्लास्टिक के पेड़ पे खाद को डालें, तो क्या प्लास्टिक का पेड़ और हो जाएगा? तो प्लास्टिक के पेड़ को, लोहे के पेड़ को, पत्थर की मूर्ति को तो इसका आवश्यकता नहीं है। खाद का, खाद का आवश्यकता जिसको उसको मिलने से ही वो उसका उपयोग कर सकता सही बात है। है। फिर बाबा जी ने कहा कि जो परिवार में यदि संस्कार आता है, परिवार संबंधों में, और संबंध पूर्णता के अर्थ में है ना, जी और पूर्णता के अर्थ में ही आचरण डिफाइन होता है। यदि पिता पूर्णता के अर्थ में पिता है, कर्तव्य पूर्णता के अर्थ में कर्तव्य है, आचरण पूर्णता के अर्थ में आचरण है, भागीदारी पूर्णता के अर्थ में भागीदारी है, तभी वो जागृत परिवार कहलाएगा। और जागृत परिवार के मल्टीप्लिकेशन के बिना परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था नहीं। ये ठीक बात। व्यक्तिवादी विधि से होगा नहीं, है ना। बाबा जी जी अनेक जगह बोल चुके हैं, हम सोचें कि 1,000 प्रबोधक हो जाएंगे व्यक्तिवादी विधि से, तो भी ये होगा नहीं, ये जागृति का अभियान नहीं चलेगा, है ना। फिर जी व्यक्तिवादी प्रबोधकों में व्यक्तिवादी मतभेद हो जाएंगे, है सही ना। बात है। वो कहेंगे पाठक जी ने ऐसा कहा था, हाँ अशोक जी ऐसा कहते हैं, सोम जी ऐसा कहते हैं, साधन भाई ऐसा कहते हैं, हम क्या करें, है ना। और ये चारों लोग आपस में मिल बैठकर एक होंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये व्यक्तिवादी विधि में यही होता है। व्यक्तिवादी जो है सब शिखर पे चले जाते हैं, मिलना तो घाटियों में होता है ना, मिलन होता है। तो घाटी ही परिवार है, बात है। मतलब उसकी जो बुनियाद है ना वो परिवार है। तो शिखर निर्णय नहीं ले सकते, है ना, घाटियां ही लेती हैं। किसी शिखर को कितनी ऊंचाई पे ले जाना है ये भी घाटी निर्णय लेती है, निर्णय लेती है। नीचे से। तो इसको बाबा जी ने कहा कि निर्णय सभा में होगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाबा जी ने कहा है कि परिवार ही सभा है और सभा ही परिवार है। परिवार है। हाँ तो जब सभा ही परिवार है तो निर्णय सभा में होंगे, तो सर्वसम्मति से निर्णय लेने का संस्कार बनेगा। अभी तो जिसका जो मन करता है वो अपना निर्णय ले लेता है, और उस निर्णय के साथ समझौता कर लेते हैं, चलो भाई इसको इतनी फ्रीडम दे दो और हम इतनी फ्रीडम ले लें, है ना। तो ये तो सह अस्तित्व नहीं हुआ। तो सह अस्तित्व का मतलब है साथ साथ निर्णय लेना, साथ साथ पढ़ना, सही है ना, बात साथ साथ जीना, साथ साथ भागीदारी करना, इसको सीखना पड़ेगा, है ना। जी। तो जो अगला जो स्टेप है मध्य दर्शन में, कि व्यक्ति तैयार हो गए, अब इन सब व्यक्तियों को परिवार तैयार करने के अभियान में जोड़ना चाहिए, है ना। यदि परिवार तैयार होते हैं तब फिर परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में गति बनेगी। यदि परिवार तैयार नहीं होते हैं तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में गति नहीं बनेगी। फिर यही यही हो जाएगा, जो अभी वर्तमान डेमोक्रेसी है उसी तरीके से चलना पड़ेगा, है ना। हाँ तो वर्तमान डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारा एमएलए हमसे जी पूछ के निर्णय नहीं लेता है ना, अपने विवेक से निर्णय लेता है। ले लेता है। हम हाँ अपने विवेक से उसका चयन कर लेते हैं, उसको अधिकार दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे निर्णय निर्णय ले सकते हैं, है ले ना। सकते हैं। दूसरी बात है कि हम अपने एमएलए का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि 60 लाख लोगों का एक प्रतिनिधि है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, क्योंकि हम उसके साथ रहते नहीं है,
हमको उसके परिवार का पता नहीं, उसकी भागीदारी का पता नहीं, उसकी समझ का पता नहीं, उसकी प्रतिबद्धताओं का पता नहीं। भाषण से कितना अनुमान लगाएंगे? और आजकल तो भाषण भी एक ही व्यक्ति दे देता है। हमारे मोदी जी हाँ सभी जगह भाषण कर रहे हैं, तो हाँ जो जो एमएलए है वहां का, हाँ जो प्रतिनिधि है जिसको हमको चुनना है, उसके आचरण का पता कैसे करें, नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये दूसरा दोष आ गया पार्टी में। सही बात है। हम एक आदमी यानी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देख के अपना प्रतिनिधि तय करेंगे, तो प्रतिनिधि के बारे का तो मूल्यांकन कभी हो ही नहीं पाएगा, है ना। राहुल गांधी का चेहरा देख के हम कांग्रेस के प्रतिनिधि, या मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव का चेहरा देख के, या फिर अखिलेश यादव जो है गुंडे बदमाशों को टिकट दे रहे हैं, माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, है ना, तो कहेंगे कि आप उनको मत देखिए, हमको देखिए, हमको चुनाव जिताना है। तो सारा डेमोक्रेसी यहाँ फंस गया। बाप रे। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मूल्यांकन जो है 10 लोगों में ही हो सकता है अधिकतम, जी मतलब जो सटीक मूल्यांकन है, और वो जो 10 लोग आपस में साथ में जीते, जैसे परिवार में जीते हैं, तो जी परिवार में जीते हुए हम अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। फिर ये प्रतिनिधि 10 एक एक परिवार से निकल के परिवार समूह सभा बनाते हैं ना, जी तो ये 10 की संख्या में ही रहते हैं, इसीलिए ये लोग आपस में मूल्यांकन करके अपना एक प्रतिनिधि ग्राम सभा के लिए चुन सकते हैं। तो ऐसे 10 परिवार समूह मिलके एक ग्राम सभा में अपना एक एक प्रतिनिधि भेज के ग्राम सभा का गठन करते हैं। फिर जी ग्राम सभा के वो 10 लोग, क्योंकि निरंतर साथ में रहते हैं, इसलिए परस्परता में मूल्यांकन करके अपना एक प्रतिनिधि जो है वो ग्राम समूह सभा के लिए चुन सकते हैं। तो ऐसे 10 ग्राम मिलके अपना एक एक प्रतिनिधि ग्राम समूह सभा के लिए, यही क्रम जो है विश्व परिवार तक बना रहता है। इसीलिए 10 के बीच में मूल्यांकन होता है, इसीलिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं, नोट बांटने की, दारू बांटने की आवश्यकता नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि साड़ी बांट रहे हैं, कोई हेलमेट बांट रहा है, कोई बाइक बांट रहा है ना, सही बात। कोई पैसे बांट रहे हैं, ये सब हो रहा है। कोई पद भी बांट देते हैं कि हम चुने जाएंगे तो आपको ये बना देंगे, आपको वो बना देगा, ऐसा ऐसा। तो ये नोट वोट बंटवारा, संतुष्टि संतुष्टि, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, कि हमको मुसलमानों को खुश करना है, इस जाति को खुश करना, उस जाति को खुश करना, उसमें जाके पूरी डेमोक्रेसी फंस गई। बाबा जी के ही शब्द हैं, नोट बोर्ड बंटवारा, संतुष्टि असंतुष्टि, है ना। इसमें ये जी बहुत गहरे शब्द हैं, हाँ मतलब पूरी डेमोक्रेसी को उन्होंने इन 6 शब्दों में बता दिया कि यहाँ फंस गए जाके। सही बात है। अगर इसमें मैं बात करूं तो हम एक दिन बात कर सकते हैं, पूरे 10 घंटे तक बोल सकते करेंगे इसके बाद के हैं। सत्रों में, जब ये पढ़ लेंगे ना फिर करेंगे। तो आपका जो प्रश्न था कि अभी क्या करना है, तो पहला हाँ काम परिवार तैयार करना है, जी दूसरा काम है कि हम लोग यदि परिवार तैयार होते हैं तो 5-10 परिवार लूजली, है ना, लूजली इकट्ठे होके, जी अभी अभी हम एक नहीं हो सकते हैं, है ना, 10 परिवार मिलके एक परिवार नहीं हो सकता है ना, हाँ तो हमको लूजली कनेक्टेड होना होगा, है ना, कि जी हम आपस में निर्वाह कर रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं, आपस में मिल के उत्पादन कर रहे हैं, आपस में मिल के विनिमय कर रहे हैं ना, आपस हाँ में मिल के योजना बना रहे हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, ऐसा ऐसे 10-15 परिवार जो है वो इकट्ठे होके यदि एक संकुल का निर्माण करते हैं, है ना, तो और वो संकुल में हारमोनियसली निर्णय लेना सीख पाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से चित्रण कर पाते हैं व्यवस्थाओं का, और फिर जी व्यवस्थाओं को खड़ा करते हैं ना। जैसे 10 परिवार में बच्चे होते हैं तो 10 परिवारों के माता पिता मिलकर उन बच्चों का शिक्षण सुनिश्चित करते हैं ना। तो एक जिसको कह रहे हैं कि होम स्टडी, है ना,
अभिभावक विद्यालय जिसको कहते हैं, जी एक जी अभिभावक विद्यालय छोटा सा जिसमें हो सकता है कि 10-12 बच्चे हों और 4-5 परिवारों के माता पिता में से किसी का भागीदारी हो, ऐसे अभिभावक, और उनको ये सारा वाङ्मय औपचारिक शिक्षा करा दी जाए, वो बहुत प्रखर हो जाएंगे। तो ऐसे अभिभावक विद्यालय हम लोग बना सकते हैं, साथ में मिलकर उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादित वस्तु का आपस में विनिमय कर सकते हैं, किसी ने कुछ बना लिया उनको दे दिया, उन्होंने कुछ बनाया आपको दे दिया, तो बाजार पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी धीरे धीरे, और परस्परता में विश्वास होने से सामूहिक शक्ति बनेगी, जनबल। जनबल जिसको कह रहे हैं, जनबल होगा, जनबल ही धनबल का आधार होता है, व्यक्तिवादी पूंजी और सभी के जनबल के आधार पे सामूहिक पूंजी, है ना, जी सामूहिक पूंजी में समृद्धि ज्यादा होती है, अक्षुण रहती है ना, व्यक्तिवादी पूंजी तो कभी भी हो सकती है, जैसे लोग बिजनेस में लॉस कर जाते हैं फिर सुसाइड करते हैं, यदि उनसे कोलैप्स हो गया तो, अब क्योंकि उनका किसी पे विश्वास नहीं है, सही इसलिए बात। फिर आत्महत्या, अंधकार छा जाता है उनकी जिंदगी के सामने, लेकिन जैसे 10 परिवार मिलके रहते हैं तो किसी का कुछ नुकसान भी हो गया तो बाकी लोग भरपाई कर देते हैं, सही तो बात समृद्धि की अक्षुण्णता इसी विधि से हो सकती है कि है। 10 परिवार समूह मिलके एक ग्राम व्यवस्था बना ले, तो यही आगे का रास्ता जो है बाबा जी ने प्रस्तावित किया है, और इसमें संस्कार स्थली परिवार, तो अभी जो परिवार हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो परिवारों में व्यक्तिवादी व्यक्ति ही कोई एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, इसी विधि से लोग समझदारी के लिए जुटे हुए हैं, है ना। मतलब जो न्याय धर्म सत्य की जो एक सही से समझ बैठनी है, वो तो मान लो किसी परिवार में एक ही व्यक्ति ये काम कर रहा है, तो ये जो कैसे फिर वो साथ में आएंगे, क्या इनको परिवार कह रहे हैं जो रक्त संबंधी वाला, जो रक्त संबंध वाले परिवार हैं, या फिर लोग गठित हो जाएंगे और उसमें भी मान लीजिए दो लोगों का परिवार है, तीन लोगों का परिवार, तो क्या वो दूसरे परिवार में समा पाएंगे? देखिए एक व्यक्ति भी कर रहा है, मतलब जैसे आप कर रहे हैं, जी मैं कर रहा हूं, या हाँ साधन भाई कर रहे हैं, जी कर क्या रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं सह अस्तित्व की ना, जी सह अस्तित्ववाद की बात कर रहे हैं, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात, हम अपना मनमानी तो कर नहीं रहे, हम इसी के लिए कमिटेड हैं, है ना, जी यदि हम इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमको जो छोटे परिवार हैं, बाबा जी ने उनको कहा है कि वो जो दूसरे छोटे परिवार हैं उनको मिला के एक बड़ा परिवार बनाना है, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई, लेकिन ये आसान काम नहीं है, मतलब ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हमने कोई कागज में एग्रीमेंट कर लिया और हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ परिवारों को पहचानना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपने 2 या 3 परिवारों को पहचाना, जो छोटे परिवार है जी ना, उनके साथ थोड़ा सा निर्वाह शुरू करेंगे, इसका चार मतलब पांच साथ में एक लोग घर में रहना तो नहीं, जैसे समस्या होती है मान लीजिए मिलेंगे, लोगों के खान पीने के जो तरीके होते हैं, खाने पीने के तरीके, किचन ही नहीं सेट हो रहा, ये भी समस्याएं छोटी छोटी रहती हैं, तो ये कल्पना में नहीं आ पाता साथ में कैसे रहा जाए, या लगता है कि अलग अलग रहेंगे क्या, एक ही घर में रहेंगे क्या? देखिए जब संबंध प्रधान हो जाते हैं ना तो खाना पीना गौण हो जाता है, इसी को संवेदना संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रण करना कहते हैं ना, जैसे हम लोग बाबा जी के घर में जाते थे ना, तो कोई चॉइस थोड़ी होती थी कि हम आज ये बनेगा वो बनेगा, जो बनता था वो खाते थे, है ना, और स्वादिष्ट खाना ही बनता था, क्योंकि खाने बनाने वाले जो है जी पोषकता स्वास्थ्य और स्वाद तीनों का सम्मिश्रण से बनाते थे, है ना, लेकिन प्रायोरिटी क्योंकि बाबा जी से मिलना और बाबा जी से दर्शन को समझना होता था, इसलिए खाना क्या है इस पे ध्यान ही नहीं रहता था, बल्कि खाना खाते समय भी यही बात करते रहते थे, है ना, तो कब खाना खत्म हो जाता था पता नहीं रहता था, है ना, ठीक बात है। ऐसे ही सब चलता था, तो
जब संबंध में मूल्य नहीं रहते हैं तब फिर भौतिकता पे ध्यान रहता है ना। नहीं चलता। सही बात है। तो 2-3-4 साल तक यदि हम किसी के साथ संबंध निर्वाह करते हैं म्यूचुअल सहमति के आधार पे, तब फिर हम एक होके रह सकते हैं, है ना। सही बात है। तब और फिर उसमें निर्णय परिवार विधि से ही होगा, तो ये सीखना पड़ेगा। ठीक बात है। दूसरा है कि जो समझदार होंगे वो धीरे धीरे एक होते रहेंगे, करेंगे क्या, है ना। नहीं होंगे तो क्या, केवल प्रवचन करने के लिए थोड़ी हम लोग। सही बात है। कल हमारा एक लेक्चर था तो वहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि हमने आपका प्रवचन सुना और हम बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि प्रवचन दूसरे के लिए होता है आजकल, तो अपने लिए सही बात होता। तो प्रवचन नहीं, हम लोग अध्येता हैं, अध्ययन कर रहे हैं। देता है। प्रवचन का सार्थक अर्थ तो यही है कि हम दूसरे की जागृति के लिए प्रेरक बन जाएं, ऐसा उपदेश हो, है ना, जो जिससे उसकी जागृति में सहायता मिले। जी लेकिन स्वयं जागृति के बिना कैसे होगा, हम खुद ही दूसरे को बोलते रहे तो ये नहीं होगा, है ना। तो जी सही बात। एक विधि तो ये है कि छोटे परिवार जो आपस में मिलके हो सकता है। दूसरी विधि ये है कि जब 10 परिवार आपस में रहते हैं मिलके, छोटे बड़े भी हो सकते हैं उनमें, या हमने 3-4 परिवार से शुरू किया, हमने 3-4 परिवारों के साथ विनिमय विनिमय विधि से ही होगा, सेवा विधि से होगा, है ना। शुरुआत यहीं से होगी, उत्पादन में भागीदारी विधि से होगी। तो ये विधि से और शिक्षा संस्कार विधि से होगा। हम उनके बच्चों के साथ जो है उनके बच्चों की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, तो उससे क्या होगा, उनमें विश्वास बनेगा, जी है ना। और विश्वास ही संबंध का आधार। तो ये 3 से 4 परिवार फिर 5 परिवार ऐसे होते समय नहीं लगेगा। अभी हमको ये विश्वास नहीं बन पा रहा है कि हम लोग उत्पादन विधि से, यानी नौकरी से मुक्त विधि से, है ना, व्यापार से मुक्त विधि से हम ठीक से जी पाएंगे, ऐसा विश्वास नहीं बन पा रहा है ना। ठीक बात है। इसका मूल कारण क्या है मालूम है आपको? मूल कारण है कि जो नौकरी और व्यापार में सफल लोग हैं, है ना, उनको विश्वास नहीं बन पा रहा है। वही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के लोगों को के साथ जब हम दर्शन पे काम करेंगे, तो उनमें विश्वास ही रहता है हम कमा लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, है ना। तो अभी गरीबों के बीच में नहीं गया है मामला, है ना। तो जैसे ही गरीबों में जो लोग उत्पादन करने वाले हैं उनमें जाएगा, तो वो तो उत्पादन कर ही रहे हैं, उनको समस्या क्या है कि कोई सहयोग नहीं कर रहा है उत्पादन में। और हम कह रहे हैं कि सहयोग पूर्वक उत्पादन करना, मिलजुल के उत्पादन करना, है ना। तो वहां इसी को प्रवृत्ति परिमार्जन कह रहे हैं बाबा जी, प्रवृत्ति परिमार्जन, व्यक्तिवादी से सहज प्रवृत्ति। सही बात है। एक्चुअली आपने बहुत सही बात पे ध्यान दिलाया कि तकलीफ यही है कि दर्शन अभी ऐसे लोगों के साथ ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग जल्दी से समझेंगे, या हाँ, मतलब ऐसा अभी वहीं पे ही जा रहा है ये उन लोगों के साथ जो नौकरी और व्यापार के लिए या तो त्रसित हैं या तो सफल हैं या उसी में सोच रहे हैं। बाप रे। तो ये तो जैसे हमने उत्पादन नहीं किया है ना, हम उत्पादन विधि से जिए नहीं, तो हम नौकरी करते रहे, नौकरी से कोई कोई पैसा आता रहा, चले नौकरियां छूटती टूटती रही वो अलग मुद्दा है, जी लेकिन हमारे परिवार में हम में भी विश्वास ही नहीं बन पाए हम उत्पादन विधि से जी सकते हैं। क्योंकि उत्पादन विधि से जीने के लिए परिवारों का समूह होना जरूरी है। क्योंकि आज भी जिनके पास खेती है ना, हाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई दूसरे परिवार का सहयोग चाहिए, जिनको सही है। लेबर बिना चाहिए, उसके हो ही नहीं पाती है।
से हो नहीं पाती, क्योंकि संभव ही नहीं। खेती और पशुपालन ऐसा काम है जो परिवार मिलके ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 खेत वाले, जिनकी 10 खेत हैं, यदि वो एक कॉमन गौशाला बनाते हैं तो सबका गौ पालन हो सकता है हो ना। सकता है। और यदि कॉमन सिंचाई व्यवस्था करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी सब अपना इंडिविजुअल बोर करते हैं ना, तो 10 बोर की जगह 4 बोर से काम हो सकता है ना, बोरिंग से। लेकिन सही बात है। 10 ट्रैक्टर की बजाय 4 ट्रैक्टर या 2 ट्रैक्टर से काम हो सकता है। तो संसाधनों, तो ये आपका सदुपयोग है ना, सुरक्षा भी है, संसाधनों की सुरक्षा भी है और वस्तु का सदुपयोग भी है, सही बात है। और यही समृद्धि भी है। क्योंकि सदुपयोग ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही सदुपयोग है, सदुपयोग सुरक्षा ही समृद्धि है। सही बात। एक्चुअली अभी गांव में ऐसा ही होता है, हमारी जो गायें थी तो एक एक व्यक्ति को ही हम पूरे गांव के लोग अपनी गायें दे देते हैं चराने के लिए, हाँ ऐसे ही होता है। वो कर नहीं पाते इंडिविजुअली, तो एक एक व्यक्ति अपनी कहाँ एक एक दो दो गाय चराएगा, वो व्यक्ति करता ही है। तो वहाँ एक्चुअली गांव ही एक सही सफल मॉडल है, नहीं तो फिर तो टूटा फूटा, जैसे शहर में रहते हैं तो सब टूटा फूटा ही है, वहां पर ही सहयोग की जरूरत पड़ती है, यहाँ सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है। तो शहरों में, और जो अपर क्लास, मिडिल क्लास है, अपर क्लास के लोग हैं, उनको तर्क अच्छा लगेगा, जी हाँ नहीं पाएंगे, जीने में बहुत हिम्मत की जरूरत है ना। बापरे। सही बात है। तर्क भी अच्छा लगेगा, विकल्प भी अच्छा लगेगा, व्यवस्था भी अच्छी लगेगी, उनको ऐसे आचरण की संकल्पना भी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ जी, सबसे सही, ऐसे ही होना। हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। निमिषा निमिषा दीदी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। ये तो मैं ये पूछ रही कि ये तो हम सबको पता है, फिर भी अच्छा खासा प्रबोधन शहरों में ही हो रहा है, सभी काम शहरों में ही हो रहे हैं, ये डिजाइन क्यों बन रहा है? पूरे दर्शन का जो हम लोग अभी काम जितने भी लोग कर रहे हैं, सब कुछ शहरों में हो रहा है, कुछ गांव में बहुत कम हो रहा है, ऐसा मैंने समझा है और देखा है अभी तक। शायद मैं अनजान हूँ इस बात से, लेकिन ये प्रश्न मुझे होता है कि इस मॉडल का सबको पता है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? अभी जो उपलब्ध है उसके साथ काम कर रहे हैं, जिसका ओके जिसका जो प्रभाव क्षेत्र है वही काम करेगा। जी, वो भी सही है जैसे जो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक थे, वो जी। सब गांव में ही शिक्षक थे मोस्टली, बहुत कम लोग शहर में शिक्षक होते हैं ना। जैसे पूरे राज्य में शिक्षकों को देखेंगे तो शहर में 20% शिक्षक होते हैं, या 30%, 70% जो है वो गांव में ही रहते हैं। तो जिन लोगों ने वहां अध्ययन किया वो अपने अपने गांव में काम कर रहे हैं सभी। अच्छा हाँ, जैसे वर्धा में भी जो काम हुआ है वहां गांव में ही काम हुआ है। तो जो संकुल थोड़े से बने, कुछ परिवार, 4-5 परिवार मिलके रहे हैं, जैसे अछोटी के आसपास भी जो काम शुरू हुआ है वो गांव में ही हो रहा है। और ध्यान गांव में होने के बाद अछोटी जो है ना, उसको विश्वास बना है, अछोटी के लोगों को, के ऐसा जिया जा सकता है। इससे पहले भीड़ बहुत आती थी, शिविर भी होते थे, लेकिन ये विश्वास नहीं बन पा रहा था, जिएंगे कैसे, है ना। तो जब हम गांव में काम करना शुरू करते हैं, और जो गांव का आदमी जब समझदार हो जाता है वो अपना करने ही लगता है ना। ये बात तो सही है, गांव के हाँ इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, ठीक बात है जैसे वो त्यागी जी काम कर रहे हैं ना इधर जी अपना हापुड़ के पास, जिनको पद्मश्री भी मिला है ना, जी जी वो गांव में काम कर रहे हैं। तो गांव में उनकी मैत्री मैंने देखी, उनका मैत्री बहुत बढ़ गई है आपस में, सब पूछते रहते हैं ये कैसे करना है, वो कैसे करना है ना। हाँ तो जब प्रमाण पैदा होता है तो लोग दौड़ते ही हैं ना। तो हो रहा है ऐसा, गांव में भी काम हो रहा है और शहर में भी हो रहा है।
ये शहर के ही लोग जो है फिर गांव में काम करेंगे। तो सही बात है, सही बात। सबसे ज्यादा जो लोग व्यापीकरण के लिए जगह है वो शिक्षा संस्कार है ना। शिक्षा संस्थाओं में जाता है तो मानसिक बदलेंगे। अभी शिक्षा संस्थाओं में ज्यादातर लोग गांव के ही आते हैं। किसी भी शहर के शिक्षा संस्थाओं में जो बच्चे आते हैं उनमें 60-70% बच्चे गांव के रहते हैं, आसपास के गांव के रहते हैं। यदि उनमें समय समझ परकुलेट होती है तो वो वापस जाके काम करेंगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनमें ये प्रवृत्ति बनती है, पढ़े लिखे लोगों में भी बनती बनती है, बिल्कुल है। नौकरी से बिल्कुल। तो लोग छूट ही जाते हैं, जैसे श्री राम ने नौकरी छोड़ दी, सुरेंद्र पाल जी ने छोड़ दी, अजय जी ने छोड़ दी, है ना। तो नौकरी नहीं करना है इस जगह तो आ गए, लेकिन करना क्या है वो अभी प्लानिंग में है। जैसे जो बेबेतरा का सेंटर बना है तो वो जी लोगों ने जमीन पे काम किया तो जमीन में समृद्धि दिखने लगी। तो हाँ ये विश्वास बना है कि नहीं, ये उत्पादन को ऐसे किया जाए तो उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ग्रोथ हो सकती है ना। दूसरा है कि एक साथ में मिलके कर सकते हैं सही बात। उसमें, और आगे बढ़ना है भी। तो अभी हमने ये प्रस्तावित किया था उनको, वहां के बेमित्रा के लोगों को, कि जो लोग यहाँ पर अध्ययन के लिए आते हैं यदि यही पास में उनको दो दो एकड़ पांच पांच एकड़ जमीन दे दी जाए और उत्पादन में सहयोगी हो जाए, संस्था संस्थान उत्पादन में सहयोगी हो जाए, तो ऐसे 10-15 परिवार हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। एक विधि तो ये है, क्योंकि तो वो 3 साल अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद या तो अपने शहर में जाके काम करेंगे, अपने गांव में करेंगे, या यहीं पर एक मॉडल बनाएंगे। दूसरा बिल्कुल, क्योंकि ये है मैच हो कि चुकी होगी 3 साल में अच्छी खासी। दूसरी विधि है कि जो बेमित्रा के पास जो गांव है जहां पर ये बेमित्रा का सेंटर है ना, मानवती, जी उन गांव वालों के साथ काम किया जाए। लेकिन गांव वालों के साथ काम करने में एक समय लगता है, क्योंकि उनको विश्वास होने में 4-5 साल, 6 साल, 7 साल लगता है। उससे कम में वो विश्वास नहीं करते हैं ना, नहीं करते। उससे कम में वो अपने से अलग माने रहते हैं कि ये लोग संस्था वाले लोग हैं, हम गांव वाले लोग ऐसा मान। लेकिन जब उनके साथ भागीदारी हो जाएगी, है ना, उनको कुछ लगेगा कि हमारे उत्पादन में, हमारे विनिमय में इनकी सहायता है, हमारी गुणवत्ता बढ़ाने में, हमारा उत्पादन की प्रचुरता में, हमारी समृद्धि को सुनिश्चित करने में, और समझदारी में हमारे बच्चों को कुछ सिखा के संस्कारित करने में, तब विश्वास बनेगा, है ना। विश्वास बनेगा तो गांव वाले कर ही लेंगे। सारा संकट तो विश्वास का ही है। तो ये शुरू किया है वहां बेमित्रा में भी, शुरू किया है छोटी में भी किया है, महाराष्ट्र में कर ही रहे हैं, बुलढाणा में कर रहे हैं ना, गांव में ही। जी और वहां पे भी जो पुणे में जो सेंटर बनाया है वहां पे भी गांव में ही है वो सेंटर, पुणे के आउटर स्कर्ट में है बिल्कुल, तो वहां से गांव लगे अच्छा, हुए। तो पुणे में कौन सा सेंटर है? ध्यान में नहीं मेरे। ये अपने सुवर्णा रहती है यहाँ सुवर्णा दीदी। अच्छा, ओके। पर, इनके माता पिता रहते हैं, अपने जो भाई है ना, क्या नाम है, योगेश भाई? नहीं, नहीं अपने रायपुर वाले जो है, टोला अच्छा में जो रह रहे हैं, उनकी वाइफ जो है, उनके माता पिता जिगर भाई वाल नहीं, कौन से? जिगर जिगर, हाँ जिगर भाई, जिगर जिगर और अदिति। उनकी अदिति की माता पिता वहां रहते हैं। अच्छा, ओके, तो ऐसे कई लोग हैं कर रहे हैं धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ में तो 10-12 गांव में दिख रहा है, छोटा छोटा गांव। वो एक भाई है, वो काफी उसने स्कूल बना लिया है, कोकड़िया गेंदवाल। गेंद को खड़िया है, तो वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। और उसमें कोई शहर का आदमी नहीं है,
कोई शहर का प्रबोधक भी नहीं है ना, वही प्रबोधन का काम करता है, उसकी वाइफ करती है, आसपास के गांव के बच्चे हैं सब। प्रबोधक जी लोग जाते जरूर हैं मिलने जुलने, लेकिन पूरा जो संचालन है वो वहीं के लोग करते हैं। अच्छा धीरे धीरे उनमें भी गुणात्मक चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। ये बात तो ठीक है, काम हो रहा है, मतलब काफी काम, लोग काफी सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत जगह कर रहे हैं लोग, हाँ क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चाओं में जो है ना, ये सब शहर के लोग रहते हैं ना, सही बात तो हमको उनका पता नहीं चल पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा कि जब आप उनके संपर्क में जाएंगे कि हम जो नहीं जानते थे हमसे ज्यादा जानते हैं। जैसे जब हम त्यागी जी के साथ मिले, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था पे हम भी पढ़ रहे हैं ना, और हमने भी काफी गहराई से उसको समझा है, और जो वर्तमान जितने भी सिस्टम है उनके कंपैरिजन में भी इसको समझा है, लेकिन जब त्यागी जी को सुना तो मुझे लगा कि ये बात हम नहीं सोच पा रहे थे जो वो सोच पा रहे हैं ना, भारत भूषण त्यागी जी। जी तो जो आदमी जमीन में काम करता है वो ज्यादा समाधान को पकड़ पाता है ना, सही बात और है। उसकी जो योजनाएं होती हैं उनमें प्रामाणिकता ज्यादा होती है, हमारे इसमें कल्पनाशीलता अनुमान हो सकता है ना, लेकिन जो वैसा कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उत्पादन व्यवस्था को समझ रहा है, उत्पादन से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ काम कर रहा है, सरकार के साथ काम कर रहा है ना, अपने गांव में रहते हुए और ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके पास जो मॉडल होते हैं वो व्यवहारिक मॉडल होते हैं, उसमें दर्शन पृष्ठभूमि में रहता है ना, सही बात है, और आत्मविश्वास आ जाता है, करने से ही ऐसा आत्मविश्वास आता है, व्यवस्था में विश्वास मतलब। तो हो रहा है काम। ऐसा नहीं है कि हम तो देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा गति पकड़ गया है, बाबा जी के जाने के बाद से गति ज्यादा है, जो बाबा जी ने काम कर दिया था उसके आधार पे गति पकड़ रहा है। कई बढ़िया। जैसे दिल्ली के टीचर जो हैं गांव में जाके, जैसे राजेश कुमार हैं दिल्ली में एक टीचर है, प्रिंसिपल थे डाइट के, अच्छा। प्रिंसिपल थे, और वो हैप्पीनेस कैरिकुलम वाला जो प्रोजेक्ट था उसके डायरेक्टर थे है ना। अभी उन्होंने गांव में जमीन खरीद ली है, शहर का गांव बेच के, और उसमें खेती भी कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। अब वो सब्जी इतनी ज्यादा हो जाती तो उन्होंने निर्णय किया है कि बेचना नहीं है इसको, आसपास में दे देते, कहते हैं जिसको चाहिए ले जाओ यहाँ से, घर से। तो उससे क्या हुआ कि आपस में मैत्री बढ़ गई है, बिल्कुल वो बढ़ मुझे जाती है। हाँ उनके प्रति एक उदारता, कि वो कह रहे हैं अभी मुझे सैलरी मिलती है और फिर पेंशन भी मिलेगी, तो हाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और माता पिता हैं, पिताजी का उनका अभी शरीर शांत हो गया है, तो तीन ही लोग हैं और बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, तो अभी तो पैसा काफी है, अब हम इसको बेचने कहाँ जाएंगे, झंझट है। तो हमने कहा जिसको चाहिए ले जाओ, और जीवन विद्या का कोई मिलने जाता है तो उसको भी दे देते हैं, तोरई लौकी ये वो जो है थैला भर के ले जाओ, सही। हाँ तो कोई विनिमय नहीं है ना, हाँ ऐसा नहीं कि आप बदले में कुछ दे देना है। गांव वालों को भी ऐसा नहीं है कि हम आपको ये दे रहे हैं तो आप हमको दूध दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो ले जाइए दूध भी ले जाइए, छाछ भी ले जाइए, फल सब्जी जो भी है ना, तो उदारता से संबंध बनता है ना। तो ये धीरे धीरे आएगा, विश्वास बनेगा तो एक दूसरे की मदद होने लगेगी। अभी उन्होंने ऑर्गेनिक सब्जी पैदा की है तो लोग पूछने लगे कि आपका इतना बढ़िया लौकी कैसे बनता, टेस्टी कैसे आ रहा है, आप राजेश जी को कभी सुनेंगे तो बताएंगे बहुत सारे साथ, तो अच्छा उसमें क्या स्वाद गुणवत्ता बढ़ गई ना। हाँ, वो बढ़ जाती है, हम हाँ लोग भी करते ही हैं तो लोग पूछते ही हैं, और फिर खाद भी ले जाते हैं, हमारे हमारे गार्डन की मिट्टी ले जाके डालते तो अभी जैसे मानसिकता में हैं। ही रहता है तो कह देते हैं कि ठीक है तुम अपना
बाजार में जो बेचना बेचो, खाओ तो हमारी वाली ना सब्जी। जब सही बात। खाएगा तो पैदा भी करेगा फिर धीरे धीरे, तो मरना तो कोई नहीं चाहता। सही बात है। आज हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बहुत सुंदर बात आज थी कि हर संबंध में दया है ना, दया पूर्वक ही हर संबंध होता है। तो संपूर्ण संबंधों में दया का प्रवाह होता है, और मनुष्य मनुष्य के साथ संबंधों को जब पहचानता है, तब सेवा अर्पण समर्पण करने की उमंग अपने आप उमड़ती है। यही जैसा राजेश भाई का उदाहरण दिया, तो पहले समाधान समृद्धि होती है तो दया ही होती है, दया ही होती है। उपकार ही होता है सही ना। बात है, सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी सारी स्पष्टता हुई, मतलब व्यक्ति से परिवार के स्तर पर स्पष्टता हुई, और मुझे लगता है आगे अपने आप परिवारों की परस्परता में भी वही विश्वास बनने की बात है, और उसके बाद बात जो जो एक गठन है ना परिवार के रूप में, वो हो जाएंगे छोटे परिवारों के, और फिर परिवार समूह साथ में जिएंगे। देखिए चित्रण के स्तर पे जो जागृति आती है उसको आर्ट ऑफ प्लानिंग कह रहे हैं ना, हम अपनी बोलचाल की भाषा में ना, आर्ट जी ऑफ प्लानिंग। जी बाबा जी ने योजनाबद्ध बोला है ना, योजनात्मक इच्छाएं है ना, योजनात्मक। तो प्लानिंग ही है, मतलब इसको आप यदि सबके साथ मिलजुल के प्लानिंग करना सीख पाते हैं, योजना बनाना सीख पाते, तभी आगे गति है ना। सही एक बात। एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है बाबा जी तो का, एक एक शब्द जो है सही बात है, शब्द ही है जो, योजनात्मक है ना, जुड़ने हाँ योजना, के अर्थ में। योजनात्मक हाँ, क्रियाकलाप ऐसा कहते हैं। क्रियाकलाप। अभी हम लोग योजनात्मक क्रियाकलाप नहीं करते, नहीं करते अपनी हम। मन मर्जी का क्रियाकलाप करते हैं ना। तो योजना बना के मिलजुल के सह अस्तित्व विधि से है ना, जी उसके चित्रण आपको समझ में आएंगे, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के चित्रण में समझ में आएंगे। उसके बिना स्वतंत्रता स्वराज्य नहीं है, स्वत्व भी नहीं नहीं। है ना। जैसे जो लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं उनमें संपत्ति का स्वत्व नहीं बनता है, हम तो नहीं देख पाते हैं कि लोग, वो कहते हैं कि ये उसकी उसका पैसा है, ये उसका है, ये वहां लगाना है, ये वहां लगाना है, ये इसमें जाएगा उसमें जाएगा, आपके पास कुछ अधिकार ही नहीं बसता है, ये स्थिति है। उनका सब बता हुआ है पहले से ही, हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग इसी का नाम है, ये लोग जो करते हाँ हैं। वो प्लानिंग नहीं है, वो आपके हाथ से अनियंत्रण है, आपका नियंत्रण में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक मार्केटिंग कंपनी है जो है ना, आपका इच्छाओं का प्लानिंग कर देती है, आप गाड़ी ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब किस्त में ले लो, हम देने को तैयार है। फाइनेंस वाली कंपनी है, फाइनेंस करने को तैयार है। जी अब आप एक गुलाम व्यक्ति बचे, बस किस्त चुकाते रहो, कमाते रहो, बस। अब आपकी स्वतंत्रता, इच्छाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई, क्योंकि आपने सारी इच्छाएं एक साथ कर ली, एक साथ जो है ये जो बदमाश लोग हैं उन्होंने प्लानिंग कर दी आपकी। उनको पता है कि आप 30 साल नौकरी करोगे, 30 साल में 20 साल तक हमारा किस्त चुकाते रहोगे, सही बात है। आप लोन देने के लिए स्वतंत्र, तत्पर रहते हैं हमारे हमारे इन लॉ है, आप ब्रदर इन लॉ। स्वतंत्र रूप से कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप स्वतंत्र, आप एक प्रकार से मार्केट फोर्सेस के या बैंकिंग फोर्सेस के गुलाम हो गए हैं ना। हमारे ब्रदर इन लॉ है, वो बता रहे थे कि कोई भी कंपनी आपको नौकरी पे रखने के लिए ज्यादा इच्छुक होती है, जब वो स्विच करते हैं, तो अगर आपने कोई लोन लिया रहता है, वो चेक करते हैं। तो मैंने कहा बाप रे, अभी ये सब भी होने लग गया है, हाँ ये मतलब कि आप बंद हो गए तभी, अदरवाइज हाँ स्वायत्तता नहीं है आपके पास, तो वो उन्होंने एक घर लिया बहुत मल्टीपल लैक्स का, फिर उसके बाद अभी एक घर वो रेंट पे चढ़ा दिया, अब दूसरा घर लेंगे क्योंकि उनको आगे नौकरी करनी है, तो रहने के लिए कितने सारे उनके पास घर हो गए इसी चक्कर में, क्योंकि उन्हें लोन लेते रहना है। वो घर थोड़ी है, वो घर नहीं है, राइट।
होटल है, धर्मशाला है ना, हाँ रेंट पे उठाना है और एक टेंशन देनी, वो रेंट पे उठाते तो रहते आपने हैं किसी को रेंट में दे दिया तो वो आपका घर थोड़ी है, प्रॉपर्टी हम फिर। है आपकी, घर नहीं है। हाँ प्रॉपर्टी होना अलग चीज है, घर होना अलग चीज है। जैसे होटल हमारी प्रॉपर्टी है, घर नहीं है ना, वैसे घर नहीं है, सही बात है। ही हमने किसी को किराए पे दे दिया, वो हमारा घर थोड़ी है, प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आ सकते हैं, घर नहीं है वो हमारा, क्योंकि तो हमारा घर तो हम जहाँ रह रहे हैं वो। वही है। बढ़िया, आज का सेशन बहुत आई ओपनिंग रहा। और किसी को कोई प्रश्न वगैरह बनते हो तो पूछ लें, है ना? 8:43 हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है पापा बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा। मुझे काफी सारी स्पष्टताएं आई हैं व्यक्तिगत रूप से, और सही बात है, सिविल कोर्ट और ये जो कोर्ट्स में झगड़े हैं, जब आपने एक पिछले या उससे पहले सेशन में कहा था, जब कोई व्यक्ति, कोई मुखिया या मुखिया नहीं, या जो बड़ा व्यक्ति कोई मरता है, उसके बाद जो परिवार है ना वो बिखरता है। और मैं उसको बहुत, इसको बहुत शिद्दत से मैं महसूस भी कर रही हूँ और आसपास भी बहुत देखती हूँ कि परिवार का बिखराव कैसे होता है। अल्टीमेटली घूम फिर के कुछ दो ही चार बातें रहती हैं और वो टूट जाते हैं परिवार हम लोग। हाँ विलास भैया कुछ कहना चाहते हैं जी? नमस्ते पाठक जी। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी ना? ठीक। आ रही है, आ रही। जी मैं अभी लास्ट, अभी इलेक्शन ड्यूटी में था लास्ट 2 दिन। अपने मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो काफी अलग अलग एक्सपीरियंस रहे, तो उसका ही ऑब्जर्वेशन मैं देख पा रहा था कि सभी लोग जो नौकरी वाले थे तभी को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है, और जो एक दिन पहले से सुबह 6 बजे से बुला के अगले दिन 12-1-2 बजे तक छोड़ा जाता है, तो सभी का मैं देख रहा था कि सब जो है वो भय के कारण ही कि नौकरी छूट जाएगी, अदरवाइज ये नौकरी सही से नहीं करी, ये 2 दिन ठीक से नहीं करे, भले ही वो भूखे प्यासे मतलब जिस भी हालत में कार्य कर पा रहे थे कर रहे थे, पूरी भीड़ में सब लगे हुए थे। तो मैं ये देख पाया कि नौकरी जो भी कर रहा है वो भय के कारण ही कर रहा है, किसी प्रभाव के कारण ही कर रहा है, मतलब वो स्वेच्छा से में भागीदारी कर रहा हो इसमें इस तरह से नहीं देख पा रहा था कोई भी। हो गए कुछ लोग, मतलब मैं देख पा रहा था कि सभी लोग को तो जल्दी थी कि मैं मेरा यहाँ मैं सामान जमा करूं और भागूं जैसे तैसे, तो सभी जगह मतलब था कि भीड़ हो रही थी और सबको जल्दी थी कि अब मैं जल्दी घर जाऊं। दूसरा इलेक्शन, जिम्मेदारी हाँ दूसरा इलेक्शन ड्यूटी मेरी थोड़ी पॉश कॉलोनी में ही लगी थी, अरेरा कॉलोनी, आपको अगर भोपाल में आप रहे हो तो आपको पता ही है, तो E4 में थी, और जहाँ पे नॉर्मली रिटायर्ड IAS IPS सेक्रेटरीज मैं और E4 में ही रहता था ना। हाँ E4 में, तो वहां पे जो है और कुछ व्यापारी लोग थे, तो थोड़ी बहुत जो मेरी पोलिंग एजेंट से बात हुई तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के घरों में जो है वो लिटिगेशन चालू है, सबके केस लड़ चल रहे सबके हैं केस चल रहे आपस हैं, में। सब अरे प्रॉपर्टी के लिए सभी के घर में केसेस है, और जो चुनाव वोटिंग देने आ रहे थे मोस्टली जो है वो 70-80 ऐसे बूढ़े ही लोग आ रहे एज हैं, बच्चे उनके भाग गए हैं, सब बूढ़े के, बूढ़े सब लोग। बूढ़े बूढ़े लोग बिल्कुल, और मतलब मैं देख पा रहा था कि ऑलमोस्ट सभी की स्थिति जो है वो बिल्कुल पागलपन की हद तक थी, कुछ लोगों की तो बिल्कुल ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ समझ पा रहे है, बस ये कि भागीदारी करनी है वोट दे के, तो वो आ गए सब, उनमें क्या से पता किसी पड़ोसी को रोक के लेके आ गया। पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मैं पहले IPS था या मैं DGP था या सेक्रेटरी होके रिटायर हुआ फाइनेंस का या चीफ इंजीनियर था। वो मैं समझ पा रहा था, तो मैं हाँ जो भी अंदर आ रहा था सबको नमस्ते करते आ रहा, तुम एटलीस्ट उनको एक दिन का सम्मान तो कम से कम मिले। सही बात है। बाप रे बाप, स्थितियां बहुत खराब हैं एक्चुअली। लोगों से बात करो तो पता चलता है स्थितियां बहुत खराब हैं। बढ़िया विलास भैया, आपका इनपुट बढ़िया सार्थक इनपुट रहा है ना। चलिए तो पापा जी, है ना, आज हमारे 14 सेशन कंप्लीट हो गए हैं और ये सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल से हम हमारे पठन को शुरू करेंगे और पठन को फिर जब आगे बढ़ाएंगे, जनवाद के और कार्यक्रम हम करेंगे,
तो हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे, है ना। आपने ठीक बहुत अच्छे से, बहुत सारी जगहों पर क्लैरिटी आई है। बहुत सारे लोग बाद में भी जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं ना, फिर वो मैसेज करते हैं या कमेंट ही करते हैं कई बारी कि हमको ये बिंदुओं पर स्पष्टता आई। तो उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, है ना। हरी हर, हरी हर। चलिए, तो आप सभी से मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, है ना। और हम जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का जो पठन कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे और गहराई में। अब देखिए, जन संवाद के लिए थोड़ा तैयारी बनाइए सारे लोग, है ना। तो हम जब डिस्कशन करते हैं उसमें भागीदारी करेंगे तो उस विधि से भी आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे। नमस्कार, हरिहर। आपका दिन शुभ हो।